व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बिकॉज ये डाउट मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी इंस्टीट्यूट में आ रही है प्लस वो एक्सटर्नली भी अपना फॉर्म रिलीज कर रही है तो उसका फॉर्म के साथ साथ इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है क्या? एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। MSc IMI में आती है, उनका फॉर्म एक्सटर्नली भी आता है प्लस आपका IMI का भी फॉर्म है, तो क्या अगर आप MSc का फॉर्म फिल करते हो कंपनी का तो आपको इंस्टीट्यूट का भी फॉर्म फिल करना पड़ता है क्या? या फिर अगर आपने इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर दिया तो क्या आपको कंपनी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है क्या? तो सबसे पहले ये बता दूं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे मेन क्या है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, दैट इज ऑफ कंपनी का। अगर आप कंपनी का फॉर्म फिल नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट आगे चल के आपका नाम उस कंपनी को, उस पर्टिकुलर कंपनी को फॉरवर्ड नहीं करेगी। अगर आप IMI का फॉर्म फिल कर देते हो, MSc को साइड में रखते हो कि नहीं यार मैंने तो IMI का फॉर्म फिल कर दिया, MSc तो यही आएगी, तो ऐसा होगा नहीं कि आपको MSc का एग्जाम देने को मौका मिलेगा, बिकॉज आपने MSc का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटर्नली जो आया था वो आपने नहीं फिल किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पोपट। तो इसलिए इट इज मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कंपनी, एंड अगर इंस्टीट्यूट का आपको मन है फिल करने का तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे सोते हैं यार IMI का फॉर्म क्यों फिल करो, अगर एक्सटर्नली फ्लीट आ रही है एंड MSc आ रही है तो उनका फॉर्म फिल कर देता हूँ। बट इन केस ऑफ तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, अब तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में देखो बहुत सारी कंपनीज है जो एक्सटर्नली आ रही है, सिनर्जी बाहर से आ रहा है आपका, उसका फॉर्म फिल करते हो, आपका स्कॉर्पियो को CV भेजते हो, प्लस उसके साथ साथ आपको फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर उसके साथ साथ आपको और भी एक दो कंपनी से जो एक्सटर्नली फॉर्म रिलीज कर रही है तो उनका फॉर्म फिल करना पड़ता है। बट व्हाट अबाउट टॉम में अगर आपको जाना है तो आपको तोलानी का तो फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट BSN एंड ऐसी ढेरों सारी कंपनी जो तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में इंटरनली आती हैं एंड किसी और इंस्टीट्यूट में एक्सटर्नली या फिर इंटरनली नहीं आती हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको इंस्टीट्यूट का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट का, साथ में जितनी भी कंपनी एक्सटर्नली आ रही हैं उनका भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो कि एक्चुअली में आपको क्या करना है। कंपनी का स्पेसिफिक फॉर्म तो आपको फिल करना ही करना है, इंस्टीट्यूट में आपका चॉइस है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देना है, IMI, TMI, DS रहमान और जो भी इंस्टीट्यूट है, HIMT, अलग अलग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे DNS स्पॉन्सरशिप ये सब चीजें चल रही होती हैं, उनका फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट कंपनी का स्पेसिफिक फॉर्म फिल करना इट इज मैंडेटरी। सो या आई होप आपको वीडियो समझ में आया, तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई भी टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, उस पे चैनल पे आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।